आप दरवाजा तोड़िए। अरे हाँ ठीक है भाई। एक मिनट, पर सोडी अंकल दरवाजा क्यों तोड़ना है? सोनू, घर की सारी चाबियां घर के अंदर है। गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, 6 सीटियां ऑलरेडी हो चुकी है, कुकर कभी भी फट सकता है। हाँ सोनू पुत्र, लेकिन मेरे पास चाबी है। चलो अभी सोनू भी आ गई है तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। खाना बनाना बाकी है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, खाना तैयार है सबके लिए। गर्मा गर्म पूरी भाजी। अरे दया, दे दे चाय, दे चाय, दे चाय, दे रे मुझे चाय दे। अरे टप्पू के पापा दुकान जाने को हो गए है रेडी, लेकिन तेरी चाय अभी तक क्यों नहीं है रेडी। ओ दे दे चाय दे। आपकी चाय उबल रही है टप्पू के पापा। अरे आपकी चाय उबल रही है टप्पू के पापा, बस 2 मिनट में मिल जाएगी आपको मेरे काका। ओ मेरे आका, देती हूँ चाय रे चाय रे 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 चाय रे। अरे दया, चाय रे। अरे एक तो पहले ही दुकान जाने के लिए लेट हो गया है, ये तेरे 2 मिनट के चक्कर में मुझे और लेट हो जाएगा। अरे वाह जीतिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गया। नहीं बापू जी, आज तो अभी तक मैं दुकान गया ही नहीं हूँ। हाँ वही, अब तक गया क्यों नहीं है? वो कल रात को ठीक से नींद नहीं आई बापू जी, तो सुबह जरा उठने में लेट हो गया। क्यों रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आई? वो बापू जी, मैं बताती हूँ बापू जी। वो क्या हुआ, रात को 2 बजे टप्पू के पापा अचानक जाकर बैठ गए। क्यों? रात को 2 बजे टप्पू के पापा कहने लगे, दया मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मैंने उनको 2 वाटका भर के चिवड़ा सेव ममरा ये खिलाया ना, तब जाके उनको शांति हुई। लेकिन 4 बजे टप्पू के पापा फिर से जाग गए। क्यों फिर से भूख लग गई? नहीं नहीं बापू जी, वो मैं बताती हूँ बापू जी। टप्पू के पापा पेट पकड़ कर कहने लगे, दया मुझे पेट में कुछ कुछ होता है। पेट में? हाँ बापू जी, लेकिन मैं तुरंत समझ गई कि टप्पू के पापा को अपचा हुआ है। और अच्छा हुआ माँ का नुस्खा मुझे तुरंत याद आ गया। मैंने 1 चपटी नमक और 1 चम्मच अजवाइन गरम हुफाड़े पानी के साथ इनको खिला दिया, तब जाकर इनको करीब 5 बजे नींद आई। बराबर है टप्पू के पापा? हाँ, दिन हो या रात तुझे सिर्फ खाने का ही सोचता है। कल मैं पूरा दिन अचर पचर खाते रहता है, खाने के टाइम पे खाना क्यों नहीं खाता? नहीं नहीं बापू जी, मैं दुकान में अचर पचर नहीं खाता हूँ, खाने के टाइम पे ही खा लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुकान में ग्राहक इतनी होती है कि फिर खाने का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अभी कल ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, दुकान में इतनी ग्राहक थी कि दोपहर का खाना मैंने लगभग शाम को खाया, तो फिर रात को खाने के टाइम पे मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी। तो कल रात को मैं बिना खाए ऐसे ही सो गया और रात को 2 बजे भूख के मारे जाग गया। और बापूजी आपको तो पता है ना, टप्पू के पापा को खाली पेट नींद नहीं आती, इसलिए इनको रात को नाश्ता करना पड़ा। दया मुझे वो रुमाल और वो पर्स दे, तो क्या मैं चाय पी के फटाफट दुकान के लिए निकल जाऊँ। अरे टप्पू के पापा, रुमाल और पैकेट तो मैंने आपके हाथ में दिया था। लो, आपने यहाँ रख दिया है। क्या टप्पू के पापा, आप इतना जल्दी भूल गए? नहीं नहीं, वो कल रात को नींद ठीक से नहीं हुई। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ भागा। भागा क्या हुआ, दुकान जाने की जगह पे यहाँ घर पे क्यों आ गया? सेठ जी, चेक पे साइन करवाने आया हूँ। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टोनी टीवी वाले है ना, उन्हें चेक देने की लास्ट डेट है। अगर आज चेक नहीं दिया तो वो टोनी टीवी वाले अपनी एजेंसी कैंसिल करवा लेंगे और हमें माल नहीं देंगे। अरे कल पूरा दिन मैं दुकान में था, तब साइन क्यों नहीं करवाई? इतनी जरूरी बात आप लोग कैसे भूल सकते हैं? सेठ जी, मैंने तो आपको याद दिलाया था, आप ही भूल गए। चल चल, क्या कुछ भी बोल रहा है, अपनी गलती मुझ पे मत थोप। नहीं नहीं सेठ जी, याद कीजिए, कल जब आप गोडाउन में बैठे थे तब मैंने आपके टेबल पे चेक रखा था और आपको साइन करने को भी कहा था, लेकिन फिर वो माणिक भाई ने आपको गर्मा गर्म कचोरी भजिया और समोसा खाने बुलाया, तो आप वैसे ही चेक साइन किए बिना वहाँ से निकल गए। टप्पू के पापा, कल आपने कचोरी भजिया और समोसे खाए थे? सेठानी जी, सिर्फ कचोरी समोसा और भजिया ही नहीं, सेठ जी ने कल गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी भी खाए थे।
अभी तो तू कह रहा था दुकान में तू अचर पचर नहीं खाता, तो ये सब क्या है? नहीं वो क्या हुआ बाबू जी, वो माणिक भाई के दुकान पे कल व्यापारियों की मीटिंग थी, तो किसी ने समोसा मंगाया, किसी ने भजिया मंगाया, किसी ने कचौरी मंगाई, तो हमें भी कुछ मंगाना चाहिए ना, इसलिए मैंने अपनी ओर से जलेबी फाफड़ा मंगाया। अच्छा मतलब तूने सिर्फ मंगवाया, उधर खाया कुछ नहीं? व्यापारियों ने थोड़ा आग्रह किया तो थोड़ा खा लिया। कंट्रोल कर कंट्रोल कर, ऐसा सब अचर पचर खाएगा तो पेट में कुछ कुछ होगा ही ना। अचर पचर यो कहनो भाई, तू इधर चेक पे साइन करने आया है कि खाने पीने की बातों की लड़ाई करने आया है? क्या हूँ बापू जी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, कचौरी समोसा और भजिया ही नहीं खाया है, जलेबी फाफड़ा भी खाया है। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी, चला चेक ला जल्दी ला। जी सेठ जी। सेठ जी चेकबुक कहाँ गई? अरे मुझे क्या पूछ रहा, रास्ते में गिरा दी? नहीं है सेठ जी, पीछे की जेब में रखी थी। वो क्या है सेठ जी, वैसे तो मैं आगे की जेब में ही रखता हूँ, लेकिन बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैंने पीछे की जेब में रखी है। अरे भाई, थैली के अंदर थैली पैक की है कि चेकबुक भी पैक की है? नहीं नहीं, है ना सेठ जी, बारिश की वजह से एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये लीजिए सेठ जी, एक मिनट है, ये लीजिए। ये आपने बहुत अच्छा किया भगवान भाई। थैंक यू सेठानी जी। हेलो, हाँ बावरी जी, मैं इस वक्त सेठ जी के घर पे। किसका फोन है? जी वो बावरी का। हाँ क्या है, पिक्चर देखने जाना है? पूछ लेता हूँ। भाई बावरी बहन को मेरा नमस्ते कहना। जी सेठानी जी। हाँ बावरी जी, सेठानी जी ने आपको खास नमस्ते बोला है। बोल देता हूँ सेठानी जी, बावरी जी ने भी आपको खास नमस्ते कहा है। अच्छा। नहीं 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 बावरी जी, सेठानी जी दुकान में नहीं आई है, मैं सेठ जी के घर आया हूँ वो चेक पे साइन करवाने। नहीं 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 बावरी जी, मेरी पगार की चेक नहीं, वो क्या है। अरे उसको क्या इतनी पंचायत है भाई, उसका बोल मैं बाद में फोन करता हूँ। जी सेठ जी। हेलो बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूँ? अरे पूछ क्या रहा है, बोल बाद में करूँगा। जी सेठ जी। बावरी जी मैं आपको बाद में फोन करूँगा। शाम को? शाम को दुकान बंद होने के बाद। उन्होंने खुद नहीं फोन कट कर दिया। सर चलो, ये लो चेक बुक चेक पेन और निकलो चलो। नहीं बका भाई, आप दो मिनट बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 सेठानी जी, थैंक यू, मैं सुबह घर से चाय नाश्ता करके ही निकला हूँ, अभी मुझे अर्जेंटली ये चेक पहुँचाना बहुत जरूरी है। हाँ बराबर, उसको जाने दे दया, जा जा निकल 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 जा। चलता हूँ सेठानी जी। तो जा भाई, संभाल के जाना। जी टपू के पापा, देखिए ये चाय है ना अभी ठंडी हो गई है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। अरे दया मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है, चाय मैं दुकान में पी लूंगा, मैं भी निकलता हूँ, चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत लेट हो गया। अरे एक तो पहले ही लेट हो गया है, बारिश को भी अभी आना था और लेट हो जाएगा। बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। बबीता जी सॉरी, वो क्या मैं अपना छाता लेना भूल गया हूँ, तो आप मुझे जरा बाहर रिक्शा तक छोड़ देते हैं प्लीज? हाँ या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, एक मिनट। हाँ ये बारिश भी अचानक चालू हो गई। सॉरी सॉरी बबीता जी, आपको तकलीफ दी? नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो क्या है कि एक तो मुझे बहुत लेट हो गया, अभी छाता लेने घर पे जाता ना वापस तो और लेट हो जाता, इसलिए मैंने आपको बोला कि जरा बाहर तक आप छोड़ दे तो। ओके नो प्रॉब्लम। बबीता तुम जयरा लाल के साथ किधर जा रहा है? वो जीठा जी एक्चुअली अपना छाता ले आना भूल गए हैं और उन्हें लेट हो रहा है बहुत, तो मैं उन्हें रिक्शा के लिए अब्दुल के दुकान तक छोड़ने जा रही हूँ। अरे पर लेट तो हमको भी हो रहा है ना बबीता। अरे अरे, अरे क्या कर रहा है यार भाई, अरे जेठालाल क्या करता है तुम? ए,
बारिश का सीजन है, तुमको छाता लेकर आना चाहिए था। अरे यार भाई, मैं घर से निकला तभी बिल्कुल बारिश नहीं थी, अचानक शुरू हो गई। अरे दो मिनट लगेंगे यार भाई, अभी इतना बात कर रहे, इतनी देर में तो बबीता जी मुझे छोड़ के आप भी गए होते। ओके ओके बबीता, जल्दी छोड़ कर आना। चलिए आई मालूम है कि ऐसा अचर पचर खाने दे तुम्हारे पेट में तकलीफ होता है, तो ऐसा अचर पचर खा देती हूँ। अरे वो स्वाद का चटका तो होता है ना। हाँ रिक्शा आ गई। अरे वाह रिक्शा, एक मिनट आ रहा हूँ भाई। बबीता जी आपने मुझे छाते में लिफ्ट दी, तो अभी मैं आपको रोयर बाइक को रिक्शा में लिफ्ट देता हूँ। आइए आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा। आइए। अरे नहीं नहीं थैंक यू जडालाल, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा लेट होगा। क्यों? अरे बबीता वो मेरा शर्ट गीला हो गया है, आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, मैं शर्ट चेंज करके आता है। ठीक है मैं वेट करती हूँ यहाँ पे। ओके 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 चलो फिर मैं निकलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके 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 बबीता जी मैं निकलता हूँ। थैंक यू थैंक यू। ये लो बेटा तुम्हारा मोबाइल, हैव ए गुड डे। और देखो मोबाइल में कोई भी तकलीफ हो बेझिझक दुकान में आ जाना। थैंक यू अंकल। तो काका ये क्या म्यूजिक बजा रहे हैं आप और क्यों? सेठ जी दिस इज वेपन थेरेपी। अरे एक मिनट ये पहले म्यूजिक बंद करो। हाँ अभी बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सेठ जी कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है। मैं समझाता हूँ। जब कोई कस्टमर दुकान में खरीदी करने आता है और बैकग्राउंड में हम म्यूजिक बजाते हैं ना, तो कस्टमर का मन उत्साहित प्रफुल्लित हो जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से इंसान का स्ट्रेस टेंशन सब दूर हो जाता है, वो एकदम तनाव मुक्त हो जाता है और खुशी खुशी एक के बजाय दो चीजों की खरीदी कर जाता है। और सेठ जी उससे हमारा सेल बढ़ता है। सेठ जी इसी म्यूजिक की मदद से मैंने सुबह से 4 मोबाइल बेच दिए। अरे वाह, तो आज तक ये हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या है सेठ जी, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। मैं अहिंसावादी इंसान हूँ, तो हथियार इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई अभी आपने बोला ना कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है, तो वो हथियार की बात कर रहा हूँ कि वो हथियार आज तक आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया हमारा धंधा बढ़ाने के लिए। ओ, अच्छा अच्छा, वो मुझे आज तक सूझा नहीं, आज सुबह ही सूझा। फ्रेशली बेट। अच्छा तो म्यूजिक चालू करूँ? अरे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, कस्टमर आए तभी चालू करना ठीक है। और वो बागा टोनी टीवी वालों को चेक देकर आया कि नहीं? नहीं सेठ जी अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया? चेक देने में इतना टाइम,
कहीं बावरी को मिलने तो नहीं चला गया? जरा फोन लगाओ, कहाँ है वो? हाँ हाँ जी। बोलिए ना टू काका। सेठ जी, बगल लैंडेड अराइव, आ गया। क्या भाई, तो खाली चेक देने में इतना टाइम? क्या बताऊं सेठ जी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। हाँ सेठ जी, बारिश में मुंबई का ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहता है, इसलिए लेट तो होता ही है। सेठ जी, मैं जाऊं? कहाँ? बावरी से मिलने? क्या सेठ जी, आप भी, मैं दुकान का हर काम दिल लगा के करता हूँ, फिर भी आप मुझे रोज बावरी जी का ताना मारते हैं। मैं गोडाउन में जाने की बात कर रहा था, स्टॉक चेक करके नया स्टॉक मंगवाना है इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, ओहो ये तो रिसायली रतुड़ी हो गया। अरे सॉरी भाई सॉरी, जा जा गोडाउन में, जा काम कर जा। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। अभी गलती से मिस्टेक हो गई है, तो गोडाउन की जगह ये तो यहाँ पड़ी। सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। नहीं भाई, तू कहाँ कभी बावरी का बुलाता है, तेरा तो अबोला ही रहता है ना, वो खुद अपने आप चली आती है यहाँ पे। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, आप चलिए मेरे साथ। नोटू काका, इसकी हिम्मत तो देखो, हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसको कुछ परवाह ही नहीं है, बिंदास बोल रही है। बागेश्वर जी चलो चलो मेरे साथ चलो। बावरी, बावरी जी ये गलत है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ सकता। नहीं नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अरे बावरी, अरे क्या खड़े खड़े बावरी बावरी कर रहे, जरा समझाओ इसको। मुझे तो लगा था सगाई हो जाएगी तो दुकान के टाइम पे इनका मिलना जुलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, उल्टा ये तो बढ़ गया। गलती कर दी तुम दोनों की सगाई करवा के। माफ करना एठालाल जी। बीठा एठाला, तू एठी? अरे एठालाल नहीं, जेठालाल के नाम। इस वक्त बागेश्वर जी को मेरे साथ चलना ही होगा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वाह बावरी, क्या गाना निकला है। सॉरी सेठ जी, हमारे पुराने गानों का यही तो मजा है, थोड़ा सा भी सुनते हैं ना तो पूरा गाने को मन करता है। अरे वाह वाह बावरी बेटा, तुमको इतना पुराना गाना पता है, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक और पुराना गाना गाना आता है। अरे ओ विविध बावरी, बंद कर तेरा ये भूले बिसरे गानों का प्रोग्राम, बंद कर। बाघा ने बोला ना वो तेरे साथ नहीं आ सकता, चलो निकलो निकलो यहाँ से। अगर बागेश्वर जी मेरे साथ नहीं आए तो मुझे दुकान बंद होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। अरे क्यों? मैं अकेले घर नहीं जा सकती। क्यों? क्या हुआ बावरी जी, आप अकेले घर क्यों नहीं जा सकती? बावरी जी आप रो क्यों रही है? बावरी जी बोलिए ना बावरी जी। क्योंकि क्योंकि मेरी गली के नाके पर कुछ गुंडे मुझे सीटी मारकर छेड़ते हैं। गुंडे तुझे छेड़ते हैं? मेरा मतलब है गुंडे तुझे छेड़ते हैं? हाँ, इसीलिए मैं बागेश्वर जी को लेने आई हूँ। मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मेरी बावरी जी को छेड़ा है, मैं उन्हें छेड़ूंगा, मतलब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं बराबर है बाघा, लेकिन बावरी तू आके सीधा गाना गाने लगी उसकी जगह पहले बता देना चाहिए ना कि ये गुंडों का प्रॉब्लम है। जा जा बागा, देख देख कौन है वो गुंडे जो बावरी को छेड़ रहे हैं। यस बागा, चल हम उनको छोड़ेंगे नहीं। काका 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 शांति रखो, आप शांति रखो, आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ बागा के साथ, चल बागा। नहीं सेठ जी, सॉरी सेठ जी, बावरी जी मेरी मंगेतर है, उनकी हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है, ये मेरी जंग है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है तू अकेला जा, लेकिन जरा शांति से काम लेना। हाँ वो गुंडों को पहले जरा शांति से समझाना, अगर ना माने तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा, फिर हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ बावरी जी चलिए।
अरे तू जा उसके साथ वरना अकेला निकल जाएगा। जा। भाभी को गुंडों ने छेड़ा। हाँ होने लगा है आजकल। अरे अरे शांत हो जाइए। गुस्सा मत कीजिए ज्यादा। बावरी को गुंडों ने नहीं छेड़ा है, असल में बावरी ने झूठ बोला है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? भाई प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। बावरी ने झूठ बोला है बाघा से प्यार की वजह से। इतना भीगा मौसम है, बावरी बाघा से मिलना चाहती है तो झूठ बोल दिया। लेकिन अब देखना यह है कि इस झूठ का पता जब जेठालाल को चलेगा तब क्या होगा। कितने आग बबूला होंगे जेठालाल और वो इन दोनों का क्या हाल करेंगे। भाई इन दोनों का चाहे जो हाल करें आप बड़े खुशहाल होंगे, क्योंकि आपके घरों में गूंजेंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बारिश में भुट्टा खाने के लिए दोनों ने गुंडों की छेड़ती वाला बहाना बनाया, लेकिन इनको पता नहीं है भगवान मेरे साथ है। थैंक यू भगवान इस दृश्यम के लिए। आने दो बाघा को वापस, आज उसकी खैर नहीं।